सुरों के आकाश पर चमकता एक और सितारा अस्त हुआ। संगीत की महफिल कुछ और सुनी हो गई। एक और सुर साधक ने अपनी संगीत यात्रा को अकस्मात संपन्न करने की स्तब्धकारी सूचना के साथ संगीत जगत को अंतिम प्रणाम कह दिया। बनारस घराने के यशस्वी सुर साधक बंधुओं पंडित राजन तथा पंडित साजन मिश्रा की विद्वत जोड़ी के अग्रज पद्मभूषण पंडित राजन मिश्रा की वाणी ने बीते दिन पूर्ण विराम लेते हुए उस पारलौकिक अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान किया। संगीत के गुणीजनों के व्यथित हृदय, पीड़ित मन और नम आंखें भला कैसे संगीत मार्तंड के इस अप्रत्याशित मौन को स्वीकार कर पाएंगी। संगीत साधकों, सुधीजनों, मर्मज्ञों के लिए इस सच को स्वीकार कर पाना सचमुच कठिन है। बनारस घराने के अग्रिम पंक्ति के ध्वजवाहकों में से एक कंठ संगीत के मूर्धन्य विद्वान पद्मभूषण पंडित राजन मिश्र और उनके अनुज पंडित साजन मिश्र ने संगीत की आरंभिक शिक्षा अपने दादा श्री बड़े रामदास जी मिश्रा, पिता श्री हनुमान प्रसाद मिश्रा और चाचा सुविख्यात सारंगी वादक श्री गोपाल प्रसाद मिश्रा से ग्रहण की। पंडित राजन मिश्रा के यूं अवसान से व्यथित आप हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा। राजन मिश्र और हमारा उनका बहुत आपस में प्रेम था, का निधन हुआ मुझको बहुत अफसोस हुआ। हमारा भी तबीयत ठीक नहीं है, टाइफाइड बुखार हुआ है, लेकिन फिर भी हमने उनके बारे में बोला है और हर पेपर में यहाँ हमने रिकॉर्ड कर करके भेज दिया है। हम कई जगह हम लोगों का प्रोग्राम हुआ, एक स्टेज पर पहले हम गा लिए, पहले बाद में वो गाए, कभी पहले वो गाए फिर बाद में हमने गाया। ऐसा अवसर आया, पारिवारिक संबंध है और उनके निधन पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने आंसू निकल रहे थे जब जिस वक्त हमने सुना तो अपने आप आंसू निकल आया, क्यों कि अपनापन था एकदम उनसे, दोनों भाई से अपनापन है। और बहुत अभी 14 तारीख को हमने हमारा पुस्तक विमोचन था, उन लोगों को बुलाए तो बड़े प्रेम से लोग आए दोनों भाई, और आ करके अंतिम समय तक रहे और उसमें हमने सम्मानित किया उनको। बड़ा अच्छा स्वभाव, बड़े प्रेम से मिले हमसे, और आपस में प्रेम रखना चाहिए। हर कलाकार को आपस में छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखना चाहिए, सबका कल्याण हो। जो जो दुख हुआ वो कहने की बात नहीं है, क्यों कि वो अपने परिवार के थे, उनकी आत्मा को शांति हो। वाषाण सुजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान सन्याति नवानि देही। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर आदमी नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर तुरंत नया शरीर धारण कर लेता है। इसलिए अमर अविनाशी, इसका कभी न होता नाश, इसका नाश नहीं होता है, आत्मा रहता है, आत्मा है और आत्मा रहेगा। पंडित राजन तथा पंडित साजन मिश्रा की युगल जोड़ी ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार भारतीय शास्त्रीय संगीत की विलक्षण प्रस्तुतियों से संगीत के सुधीजनों को मंत्रमुग्ध किया है। पंडित राजन मिश्रा को याद करते हुए आप हैं सुविख्यात वॉयलिन वादिका विदुषी एन राजम। कल मुझे भी जब ये समाचार प्राप्त हुआ, पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे तो चारों ओर आजकल जो फैला हुआ है, जो लोग भयभीत है उससे लेकर के हमेशा ये डर लगा रहता है कि किस समय किसके बारे में किस तरह का समाचार सुनने को मिले, ये इस तरह का भय हमेशा। तो
ऐसे वातावरण में जो है जब कल ये बात सामने आई कि पंडित राजन मिश्रा जी का अभी हमारे बीच पंडित राजन मिश्रा जी नहीं है, विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं प्रोग्राम के लिए इधर उधर जाती थी तो अक्सर इन भाइयों से मुलाकात होती रहती है, और वैसे मैं भी बनारस में मेरे जिंदगी का अधिकांश भाग मैंने बनारस में बिताया है। तो ये एकदम कम उम्र के थे दोनों और आगे आ ही रहे थे, तब से मैं इनको सुन रही हूँ बनारस में। पहले तो बनारस में ही सुना, दोनों युवक थे, नवयुवक थे उस समय, तो तब से मेरा परिचय ही इस पूरे परिवार के साथ है। और अक्सर 2 महीने के बीच हर 2 महीने में एक बार कहीं ना कहीं मुलाकात होती रही, तो इतना इन लोगों के प्रति मेरा अपनापन है, इनके परिवार के प्रति अपनापन है। तो ये समाचार जो है मेरे मन में जिस तरह का आघात पहुंचाया है उसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। संगीत जगत के लिए क्या नुकसान है, हानि है, वो सभी लोग जानते ही हैं। ये बड़े खानदान के लोग हैं, इनके पंडित गोपाल मिश्र जी जो सारंगी के मशहूर वादक सारंगी वादक थे, इनके चाचा थे, और इनके पिताजी हनुमान प्रसाद जी करके वो खुद सारंगी बजाते थे। तो खानदान इस तरह का संगीतकार का, और किशन महाराज जी से भी ये लोग इन लोगों का रिश्ता है। तो बहुत साल से, और बनारस छोड़ करके फिर ये लोग दिल्ली आ गए थे, तो उसके बाद इन लोगों का इतना नाम हुआ। आजकल ये लीडिंग गायकों में से है। अब इन लोगों को अभी सुनने को नहीं मिलेगा जनता के लिए, तो बहुत दुख की बात है। पर क्या कर, नियति का जो विधि का जो विधान है उसके सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है। मुझे जो दुख हो रहा है मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगी। उनकी आत्मा को शांति मिले यही प्रार्थना कर रही हूँ। देश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से विभूषित पंडित राजन मिश्रा अपनी विशिष्ट शैली के कारण सुविख्यात थे। पुरस्कारों में पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान आदि प्रमुख हैं। पंडित राजन मिश्रा को याद करते हुए आप हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित उल्लास कशालकर। पंडित राजन जी का जो निधन हुआ है, बहुत उनके जैसे कलाकार निर्माण होना बहुत रेयर चीज हुई है, क्योंकि बनारस घराने के कलाकार होके एक जो अपना उन्होंने ख्याल गायकी का एक नया अंदाज दिया है वो बहुत ही अच्छा है। और मेरे बहुत ही अच्छे उनके साथ संबंध थे। मैंने एक बहुत बड़े मेरे अच्छे मित्र गवाए हैं इसमें, मुझे तो बहुत दुख की बात है। उनके वो बड़े विद्वान थे, उनके पास बहुत, उन्होंने जो गाना पेश करके एक अपना नाम साबित करके अपना एक स्थान निर्माण किया है वो तो बहुत जबरदस्त काम है उन्होंने जो अपने जीवन में करके दिखाया। मैं हृदय से मेरी संवेदना उनके प्रति प्रकट करता हूँ और उनको शांति मिले ऐसा ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। कंठ संगीत के सशक्त हस्ताक्षर रहे पंडित राजन मिश्रा जितना अपने संगीत को लेकर लोकप्रिय थे, उतना ही अपने विनम्र स्वभाव और बनारसी ठेठपन को लेकर भी। मृदुभाषी और अत्यंत सरल व्यक्तित्व। आपको याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित वेंकटेश कुमार। नमस्कार, मैं वेंकटेश कुमार बोल रहा हूँ। आज हमारा हिंदुस्तानी संगीत श्रोत्र संगीत कलाकार को बहुत दुख की बात है, पंडित राजन मिश्र जी हमारे साथ नहीं है आज। वो भगवान का पाद में वो लीन हो गए हैं, मगर उनका संगीत तो, उनका परंपरा तो आगे चलेगा गुरु कृपा से। क्या है,
उनका परंपरा में उनका भाई साहब है और उनका बेटा भी है रितेश मिश्रा। बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाते हैं। सेम राजन मिश्रा जी को हम कैसे सुनते हैं वैसे वो उनका ढंगदारी गायकी में सब उनका पास है। ये वो ऊपर वाले का कृपा है, ऊपर वाले का। ये क्या है, राजन मिश्रा का मिश्रा जी क्या संगीत सेवा किए है उसका फल है वो रितेश मिश्रा ये संगीत उनको लभ्य है मेरे ख्याल से। और ऐसे है इतना और 10 साल तक, कम से कम और 10 साल तक हम राजन मिश्रा जी का गायन सुनना था, मगर दौर्भाग्य है क्या करना है, ये किसको आत्मी भी नहीं है, ये विधि लिखित है, वो भगवान को मालूम होता है। इसलिए क्या है और बहुत 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 मुझे तो आज कल रात से मैं बहुत दुखी हूँ, सही बोल रहा हूँ, ऐसे कलाकार बहुत कम मिलेगा। क्या है उनका पास शास्त्रीय संगीत में बहुत अलग अलग घराना थे, घराने का बंदिश और बहुत कुछ राग एक एक कर और घराने में कैसे चल रहे, कैसे गाते है, वो बंदिश कैसे है, ये राग कैसा गाते है, एक राग में उनका ज्ञान इतना अच्छा था, बहुत बहुत बड़ी बहुत बहुत बढ़िया। आगे गुरु कृपा से अभी उनको गुरु के पास से प्रार्थना करता हूँ, उनका आत्मा को शांति मिलेगा। आप हैं सुविख्यात बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। देखिए हम लोग को तो इतनी तकलीफ हुई हम कह नहीं सकते मतलब इस चीज को। और हमारे मतलब असली मतलब जो संगीत के जो महान गुरु जो पंडित राजन जी बड़े भैया हमारे, जो कि पूरी दुनिया में बनारस को एक अलग मुकाम पे पहुंचा रहे थे। देखिए बनारस में बहुत बड़े बड़े कलाकार पैदा हुए, पंडित मतलब जितने भी हमारे पंडित महादेव मिश्रा जी से लेके या हमारे रामदास जी या जितने भी ग्रेट लोग थे इतने पैदा हुए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खासा, पंडित किशन महाराज जी, कंठ महाराज जी, जितने भी हमारे पिताजी, मेरे चाचा जी, ये जितने भी बुजुर्ग लोग हुए हैं उन्होंने बनारस के लिए बहुत काम किया। लेकिन पंडित राजन साजन मिश्रा जी का जो नाम पूरी दुनिया में हुआ है, ऐसा नाम होना मुश्किल है बनारस के लोगों के लिए अभी आज के दौर पे। लेकिन उसमें पंडित राजन मिश्रा जी जो नहीं रहे ना, बहुत तकलीफ हुई बहुत। कल तो मतलब कहना चाहिए कि क्या है ये महामारी, ये तो सब खत्म हो गया मतलब मामला। तो अजीब सा लगा मुझे कल का सुन के, इतने जबरदस्त चीजें उनसे मिलती थी सीखने को, सुनने को, कमाल की चीजें गाते थे मतलब कि कुछ शब्दों का गाने का, और इतने अच्छे हृदय के इंसान, इतने अच्छे इंसान, गाना बजाने के साथ साथ इंसान होना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वो तो ऐसे महान कलाकार कल जो चले गए हैं, बहुत तकलीफ बहुत तकलीफ। पंडित राजन मिश्रा को याद करते हुए सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अकरम खां कहते हैं, मेरा तो उनसे कम से कम 28-30 साल का रिलेशन रहा है और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, अभी भी मेरा उनसे उतना ही पक्का रिलेशन है, उतना ही पक्का मेरा उनसे आगे भी रहेगा, आज भी है वो। मैं तो अभी भी महसूस ही नहीं कर रहा हूँ कि वो हमारे बीच में नहीं है। मेरा जब हमें यहाँ दिल्ली में मैं आया और हम लोगों को कोई भी नहीं जानता था, हम लोग अनजान थे और सीख रहे थे और सीख भी रहे थे और थोड़ा थोड़ा बजा भी रहे थे, उस वक्त में भी हमें कोई नहीं जानता था। तो समझ लीजिए कि उन्होंने उस वक्त में भी हमें अपने जूतियों में जगह दी, अपने गले से लगाया, जबकि इतने बड़े कलाकार वो उस वक्त में भी थे और आज भी हैं कि मुझ जैसे मामूली से कलाकार को जरूरत नहीं है कि वो अपने पद्मों में जगह दें। लेकिन फिर भी उनका इतना प्यार और इतना सहयोग रहा मेरे लिए, उन्होंने हम लोगों को तब भी सहारा दिया, अपने साथ में स्टेज पे बजवाया, बिठाया, समझाया देखो ऐसे बजाना है ऐसे। आज भी आप जो समझ लीजिएगा कि एक बड़ी छोटी सी मामूली सी बात बता रहा हूँ मैं, पिछले साल हमारा
पूरा साल बंद रहा, लॉकडाउन रहा है और हमारा कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर भी ऑल इंडिया रेडियो ने फिर भी याद किया हमें एक बार, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। राजन भैया ने कम से कम 2-3 बार मुझे, बातचीत होती रहती थी उनसे 10 दिन में 5 दिन में, रोज भी बात होती थी। राजन भैया ने उस बीच में भी कम से कम मुझे 2-3 बार ये कहा कि अकरम भाई काम बंद है, कोई बात नहीं, मगर घबराना नहीं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम लोग हैं यहाँ। आप ये देखिए कि ये हो सकता है कि ये बात लोगों के लिए बड़ी मामूली सी हो, ये सोच के कि कैसा तो बोल ही दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि जैसे अपने माँ बाप या कोई बड़ा भाई कहता है परेशानी के टाइम में कि घबराना नहीं हम लोग हैं, वो कहना ही उनका इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने तब भी उनको यही कहा, राजन भैया आप ही का तो दिया हुआ है यहाँ जो घर में दाल रोटी चल रही है, आप ही का तो दिया हुआ है ये सब कुछ, और इतने साल से आप ही दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं वो ठीक बात है, लेकिन क्योंकि अभी सबके ही काम बंद है और आगे अच्छा भी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बुरा वक्त है बीत जाएगा, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम हैं आपके लिए। ये जो बात है इसका बहुत बड़ा महत्व है मेरे लिए, बहुत बहुत बड़ी बात है, मेरा इससे दिल एकदम मजबूत हो गया उस वक्त में। ये जो वाकया है ये मैं आप लोगों से इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के सोच के लोग और इस तरह की बातचीत के लोग, और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं कि मैं उनके करीब हूँ तो इसलिए उन्होंने मेरे से कहा, वो गैरों के भी लिए बहुत प्यार देते थे। जो उनसे पहली बार मिलते थे उनको भी वो उतना ही प्यार देते थे जितना उनके जो करीब हैं वो लोग। बड़े बड़े मतलब देवता किस्म के आदमी थे राजन भैया, और हर तरह से मतलब आप समझिए कि संगीत तो था ही उनमें, म्यूजिक तो था ही उनमें, इल्मदार भी बहुत थे, मगर उसके अलावा जो जैसे पारिवारिक लोग होते हैं वो भी उनमें खुशबू पाई गई। जिस तरह से राजन भैया ने हम लोगों को सहारा दिया और कलाकारों को भी, तबलावादों को भी, खास तौर से उनके जो साजिंदे थे उनको भी इतना प्यार, स्टेज पे इतना सम्मान दिया उस वक्त में भी और आज भी, नहीं तो उनके लिए कोई कमी नहीं थी कि मतलब बड़े तबला प्लेयर कहीं से भी, नामवर तबला प्लेयर किसी भी शहर से वो बजवाएं अपने साथ में, उनको कोई ऑल इंडिया रेडियो में हो या दूरदर्शन में हो या प्राइवेट कॉन्सर्ट्स में हो, उनको कमी थोड़ा ही थी। वो तो एक अल्फाज बोलते और उनके लिए कहीं से भी तबला वादक आ जाते थे, लेकिन वो फिर भी मुझ जैसे मामूली तबला प्लेयर को याद करते थे वो। और मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, जब भी और आज भी और हमेशा ही रहूंगा, क्योंकि हम लोग पैदा ही छोटे हुए हैं उनसे। और मुझे खुशी है इस बात की कि राजन भैया हम लोगों से बड़े थे और उन्होंने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, मुझे उसमें ही अपने आप में गर्व महसूस होता है। उनकी पर्सनली कमी, उनके संगीत की कमी, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा ये महसूस करता रहूंगा कि राजन भैया मेरे साथ हैं और मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी जा सकते हैं। बड़ा ही अजीब कल का दिन गुजरा है और यकीन मानिए कि अभी भी मुझे शक होता है कि सही भी है या नहीं है, और इससे बुरा और वक्त क्या होगा हम लोगों के लिए कि मैं जा भी नहीं सका वहाँ, और इससे बुरा वक्त नहीं हो पाएगा कि मैं उनको देख नहीं सका, उनके आखिरी वक्त में उनके दर्शन नहीं हो पाए। ये बहुत ही खराब वक्त है मेरे लिए भी और हम सब लोगों के लिए कि उनके दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। सुर ठहर सकते हैं, स्वर मौन हो सकता है, प्राण तत्व विदा हो सकते हैं, किंतु परंपराएं
सदैव जीवंत और स्पंदित होती रहती हैं। कठिन साधना और तप से निखर कर मन मस्तिष्क को सुवासित करती पंडित राजन मिश्र की बेजोड़ गायकी की अनमोल परंपरा संगीत सभाओं, विमर्शों और गुणी शिष्यों के माध्यम से सदैव प्रवाहमान बनी रहेगी। पंडित राजन मिश्रा की पुनीत स्मृति को आकाशवाणी परिवार की ओर से विनीत नमन।